मैं आज आपको वर्डप्रेस वेबसाइट में किस तरह से मेनू सेटिंग करना है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। मैंने मेरा डैशबोर्ड ओपन किया है वर्डप्रेस का। अभी यहाँ पर अपीयरेंस में आपको मेनू के ऊपर क्लिक करना है। मेनू में क्लिक करने के बाद में ये आपको दिखेगा इस तरह का व्यू। ये जो व्यू दिख रहा है आपको, इस व्यू में मैंने मेनू स्ट्रक्चर में मेनू वन एंटर कर दिया है। यहाँ पर एंटर करने के बाद में आपको सेव कर देना है, सेव मेनू। जैसे आप सेव मेनू कर देंगे, ये स्ट्रक्चर मेनू वन हैज बीन अपडेटेड। ओके, तो अभी आपको ये जो पेजेस के, जो मैंने पेजेस क्रिएट किए थे, वो सब पेजेस यहाँ पर व्यू होंगे। ये सब पेजेस मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। अभी ये सब पेजेस में ऐड करने के बाद में ये सब यहाँ पर आ जाएंगे। ये सैम्पल पेज नहीं करना है। ओके, तो ऐड करने के बाद यहाँ पर सब पेजेस आपको व्यू हो रहे हैं। जो मैंने पेजेस डिजाइन किए थे वो सब पेजेस आ गए। इसका वेबसाइट का पैनल मैं आपको बता देता हूँ। फ्रंट व्यू वेबसाइट का, ये फ्रंट व्यू में आपको दिख रहा है कि जो वेबसाइट के जब पेजेस है इस तरह से सब आए हुए हैं। अब मुझे इस पेजेस को ठीक से सेटिंग करना है। तो सबसे पहले मैं लूंगा अबाउट अस का पेज ऊपर ले लेता हूँ, सर्विसेज का पेज ऊपर ले लेता हूँ। ऐसे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। मैंने अबाउट अस ले लिया, उसके बाद सर्विसेज यहाँ पे ले लिया। अभी मुझे सर्विसेज में सब पेजेस बनाना है। अभी ड्रैग एंड ड्रॉप सिर्फ साइड में मुझे लेना है, दिस साइड एक एक लाइन में लेना है। ओके, इस तरह से मैं भी इसको प्राइमरी नेविगेशन कर देता हूँ। ओके, और सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ मैं वेबसाइट को। देखिए, आपको दिख रहा है अभी इस तरह से मेन मेनू है, अबाउट और सर्विसेज, और सर्विसेज के अंडर इतने सारे सब पेजेस आ चुके हैं। अभी मुझे एक होम मेनू सेटिंग करना है, होम मेनू क्रिएट करना है। तो होम मेनू मुझे कस्टम करना है, तो यहाँ पर मैं होम डाल देता हूँ, होम। और यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करके मैं एंटर कर देता हूँ, क्योंकि होम से मुझे डायरेक्टली वहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चेक करना है डबल एफटीपी आया क्या, तो इसको कट करके ठीक से आपको एंटर करना है। ऐड मेनू कर देता हूँ। ऐड मेनू करने के बाद मैं सबसे नीचे आ गया होम, तो मुझे यहाँ उसको ऊपर लेना है। मैं सबसे ऊपर उसको ले लेता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अभी इसको रिफ्रेश कर दूंगा मैं। देखिए, होम आ गया, अबाउट आ गया, सर्विसेस आ गया। तो इस तरह से आपको मेनूज और पेजेस आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। जो भी पेज आप क्रिएट करेंगे यहाँ से, तो वो सब पेजेस यहाँ पर आपको व्यू हो जाएंगे, उसके नाम से आपको आ जाएंगे। तो वहाँ से आपको यहाँ उसको सेटिंग करना है मेनू में। इस तरह पे ऐसे आप वर्डप्रेस में मेनू सेटिंग कर सकते हो। बहुत ही आसान है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप सिर्फ उसको सेटिंग कर सकते हो सब मेनू।